लक्सर क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि बाणगंगा नदी इलाके में खनन माफिया अवैध खनन कर रही है। कुछ इलाकों में तो खनन माफियाओं ने ग्रामीणों के खेत और सार्वजनिक रास्तों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। ये लोग तो कुछ गांव के मिले जुले भी हैं और जन प्रतिनिधियों के लोग भी हैं जो मिले जुले हैं। और भाई सरकार को, राजस्व विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, जिससे चाहते हैं कि हम इससे मतलब का जो है चूना लगाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम यहाँ पे आए, हमने सीओ साहब को सूचित किया था और यहाँ पे रात जो खनन हुआ है, करीबन 3-4 JCB खनन हुआ, 10-15 ट्रैक्टर भी थे और सीओ साहब ने पुलिस वाले भी भेजे थे यहाँ पर। वो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पाई और अवैध रूप से खनन हो रहा है बहुत भारी मात्रा में, इसलिए यहाँ के ग्रामवासी इससे दुखी हैं सर। तो हम चाह रहे कि कार्रवाई हो और ये रुके। बाणगंगा के पास का क्षेत्र है, पंचलेश्वर मंदिर यहाँ पास में ही है, तो हम चाह रहे कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।